उज्जैन में एक वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर के कांग्रेस में अंदरूनी मचा घमासान अब थम चुका है। ये क्लिप पार्टी के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया की बताई जा रही थी। इसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे थे कि कोई मुस्लिम नेता धार्मिक नगरी के अंदर टिकट नहीं ले पाएगा। तो मैंने कहा उज्जैन में एक ही न्यूसेंस नेता है। अभी आली बात हुई तो उन्होंने बोला इसको समझाया नहीं। मैंने कहा अब इसको कितना समझाए, न्यूसेंस है, टिकट दे देंगे। टिकट तो बोलते हैं बड़े नेता जाते फाइनल। सुनो, ये डॉक्टर साहब से बोलना थोड़ा मजबूत हो, धार्मिक नगरी के अंदर टिकट ला पाएगा। सही बात, लेकिन अपन क्यों बदनाम हो गए वहाँ जाके? नहीं तो उसमें सब पूरे सभी गए थे तो चलो उसमें क्या, अपने कमलनाथ के अपने नेता कहीं लेके गई नहीं वहाँ, अगर कोई दूसरा क्या लेके जाती। हालांकि उज्जैन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के नाम से ऑडियो वायरल होने के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। मंगलवार को हुए नाचकीय घटनाक्रम में भदौरिया ने नूरी खान सहित अल्पसंख्यक समाज से सार्वजनिक माफी मांगकर विवाद को अब खत्म कर दिया है। अब जल्द ही भदौरिया एक बार फिर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कमान संभालेंगे।